अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने बायो का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसके लास्ट टू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेनेटिक कोड और म्यूटेशन है। पहले हम जेनेटिक कोड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का ऐसा सिस्टम जो कि प्रोटीन में अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिक्टेट करता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड में कोडान और एंटीकोडान में क्या डिफरेंस होता है। तीन न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा ग्रुप जो कि ट्रांसलेशन में एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं कोडान। जबकि तीन न्यूक्लियोटाइड का ऐसा ग्रुप जो कि कोडान के न्यूक्लियोटाइड्स के कम्प्लीमेंट्री होता है, उसको हम बोलते हैं एंटीकोडान। कम्प्लीमेंट्री मीन एडेनिन हमेशा अपोजिट होगी विद थायमिन और गवानिन हमेशा अपोजिट होगी विद साइटोसिन। तीन साइंटिस्ट जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक कोड के अंदर, उनके नाम ये हैं: मार्शल नारायणबर्ग, हरगोबंद खुराना एंड फिलिप लीडर। हम ये जानते हैं कि फोर डिफरेंट काइंड्स की बेसिस होती हैं डीएनए के अंदर, वो एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन होती हैं, जबकि आरएनए के अंदर वो एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल होती हैं। हमें ये भी पता है कि 20 डिफरेंट काइंड्स के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं या जिनसे प्रोटीन मिलकर बनी होती है। अगर एक बेस सर्व करती है एज अ कोड फॉर वन अमीनो एसिड तो हमारे पास मैक्सिमम 4 कोडान आते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है 20 अमीनो एसिड्स के लिए। अगर टू बेसिस सर्व करें एज अ कोड तो हमारे पास मैक्सिमम 16 कोडान बनते हैं। क्योंकि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं तो ये 16 कोडान भी एनफ नहीं है फॉर द 20 अमीनो एसिड्स। अगर तीन बेसिस सर्व करें एज अ कोड फॉर वन अमीनो एसिड तो मैक्सिमम जो कोडान बनते हैं वो 64 कोडान बनते हैं, और 64 कोडान जो हैं ये सफिशिएंट हैं 20 डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड्स के लिए। तो फिर 64 कोडान का ये जेनेटिक कोड आपको नज़र आ रहा है। ये जेनेटिक कोड आपको मेमोराइज करने के लिए आपको एक जो याद करना पड़ेगा सीक्वेंस, वो ये है UCAG। अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया है तो आपको ये 64 कोडान बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ फर्स्ट लेटर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सेकंड लेटर और तीसरी तरफ आप देख रहे हैं थर्ड लेटर, जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर, जब हम देखते हैं आपने ये सीक्वेंस मेमोराइज कर लिया UCAG, तो जो पहला आप कोडान देखते हैं वो लिखा हुआ है UUU। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको जो फर्स्ट रो में मैंने कहा था वहाँ से लेना है, वहाँ आपको नज़र आ रहा है यू। फिर सेकंड लेटर जो आपको दूसरी रो में नज़र आ रहा है वहाँ से लेना है, वो भी यू है। जबकि जो थर्ड लेटर जो है वो आपने तीसरी लाइन से लेना है, वो क्या है, यू है। तो पहला कोडान जो है वो यू 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 है। इसी तरह दूसरा कोडान का फर्स्ट लेटर आपने पहली रो से लिया यू, फिर दूसरा लेटर उसका दूसरी रो से लिया वो भी यू है, जबकि तीसरा लेटर जो है तीसरी रो से लिया जो कि सी है। तो इस तरह ये क्या है, यू यू सी, दूसरा कोडान बन जाता है। इसी तरह फिर यू यू ए है और यू यू जी है। तो हर जो कोडान जो हैं वो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसा कि यू 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 और यू यू सी, ये दोनों किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, फिनाइल एलानिन को कर रहे हैं। आपको एक स्टार्ट कोडान नज़र आ रहा है AUG, जिसको हाईलाइट किया गया है रेड कलर के साथ, ये एक स्टार्ट कोडान है। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जैसे ही ये कोडान अपीयर होता है तो उस वहाँ से ट्रांसलेशन की इनिशिएशन हो जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इनिशिएशन कोडान या स्टार्ट कोडान, और ये हमेशा मिथियोनिन अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। इसी तरह यहाँ आपको दो और कोडान नज़र आ रहे हैं, UAA
UAG और एक और है UGA, इन तीनों कोडान का स्पेसिफाइड नाम दिया गया है स्टॉप कोडान और टर्मिनेशन कोडान। जैसे ही ये कोडान मैसेंजर RNA के ऊपर अपीयर होते हैं तो वहाँ पर ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका ट्रांसलेशन या प्रोटीन सेंसेस वहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो टोटल 64 कोडान हैं और स्टार कोडान को हम बोलते हैं AUG, जबकि स्टॉप कोडान को बोलते हैं हम UAA, UAG और UGA। इसको हमने डिस्कस अभी कर लिया है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहली करेक्टर जो है वो ये है कि डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इसमें हम ये देखते हैं कोडान जो होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं। इस रिडंडेंट वर्ड का मतलब ये है कि मोर देन वन कोडान जो होते हैं वो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। जैसा कि एग्जांपल भी दी गई है, GAA और GAG, ये दोनों जो हैं कोडान, ये एक अमीनो एसिड ग्लूटामेट को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर जीनोम की, तो ये जेनेटिक कोड जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। जो जेनेटिक कोड होता है ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होता है। एक अमीनो एसिड है AGA, ये स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन को बैक्टीरिया के अंदर भी, इंसानों के अंदर भी और तमाम ऑर्गेनिज्म के में जिनके अंदर जेनेटिक कोड को डिस्कस किया गया या स्टडी किया गया है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज़ नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल उसमें नहीं होता जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि इनका अपना जीनोम होता है। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया DNA के जेनेटिक कोड को देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें एक अमीनो एसिड है, एक कोडान है UGA, जो कि आमतौर पर एक स्टॉप कोडान है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं जेनेटिक कोड इज़ नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है जेनेटिक कोड इज़ कॉमनलेस, यानी कि जेनेटिक कोड या कोडान में कहीं पे भी कोई कामा या सिग्नल नहीं पाया जाता। और जो लास्ट करेक्टर है वो ये है जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि जो एडजेसेंट जेनेटिक कोड्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते। तो ये पांच करेक्टर्स हैं जेनेटिक कोड की। पहली क्या है, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। थर्ड है जेनेटिक कोड इज़ नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। फोर्थ है जेनेटिक कोड इज़ कॉमनलेस। एंड फिफ्थ है जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, वो है म्यूटेशन। जीन के अंदर कोई चेंज आती है तो उसको हम बोल देते हैं म्यूटेशन, या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चेंज आती है तो उसको हम बोल देते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ म्यूटाजन। ऐसे एजेंट्स जो कि म्यूटेशन की वजह बनते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटाजन्स। वो म्यूटाजन क्या हो सकते हैं, वो केमिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रेडिएशन भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी जीन, आपकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द काजेज ऑफ म्यूटेशन। DNA की रेप्लिकेशन में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उससे भी म्यूटेशन आ सकती है, या आपका डैमेज कर जाए जेनेटिक मैसेज उसकी वजह से भी म्यूटेशन आ सकती हैं, या अफेक्ट ऑफ म्यूटाजन की वजह से भी म्यूटेशन आ सकती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप म्यूटेशन की टू टाइप्स होती हैं, सोमैटिक म्यूटेशन एंड जर्म लाइन म्यूटेशन। अगर तो म्यूटेशन होती है आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर तो उनको हम बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन जो होती हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास नहीं होती, तो जिसकी वजह से इन म्यूटेशन का एवोल्यूशन के अंदर इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। जबकि ऐसी म्यूटेशन जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती हैं उनको हम बोलते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन, और ऐसी म्यूटेशन पेरेंट्स से डॉटर सेल्स के अंदर पास हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से इन म्यूटेशन का एवोल्यूशन के अंदर सिग्निफिकेंस है, और ये म्यूटेशन सर्व करती हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। म्यूटेशन की टू टाइप्स हैं जो कि आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन और पॉइंट म्यूटेशन। अगर तो क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, और ऐसी म्यूटेशन को हम मेगा चेंजेस कहते हैं, यानी कि बड़ी चेंजेस आ जाता है, और इसकी वजह से डिफरेंट सिंड्रोम्स लाइक
डोंट सिंड्रोम, ओकल फ्रंटल सिंड्रोम्स हो सकते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन की टू मेन टाइप्स फर्दर हैं फिर, न्यूमेरिकल एब्रेशन और स्ट्रक्चरल एब्रेशन। न्यूमेरिकल एब्रेशन में आ जाता है यूप्लाइडी और एन यूप्लाइडी, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, जबकि स्ट्रक्चरल एब्रेशन आप डिस्कस की गई हैं, उसकी फोर मेन टाइप्स हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ये इस फिगर में आपको ये फोर्थ की फोर टाइप नज़र आ रही हैं, डिलीशन भी, डुप्लीकेशन भी, इन्वर्जन भी और ट्रांसलोकेशन भी। ये जो फर्स्ट है इसमें आपको डिलीशन नज़र आ रही है, कि आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है ए बी सी डी ई, फिर सेंट्रोमियर है, फिर एफ जी एच। इसमें उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है डी को, यानी कि जो डी वाला पोर्शन है ये डिलीट हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें उस क्रोमोसोम को डिलीशन के बाद, तो वो नज़र आ रहा है ए बी सी ई और फिर सेंट्रोमियर एफ जी एच, यानी कि इसमें से डी वाला पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका होता है। तो द लास्ट ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीशन। नेक्स्ट जो क्रोमोसोम की टाइप है, जो स्ट्रक्चरल एब्रेशन की टाइप है वो है डुप्लीकेशन, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। फिर वही आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, वही सीक्वेंस है ए बी सी डी ई, फिर सेंट्रोमियर एफ जी एच। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइट नज़र की हाईलाइट किया हुआ है वो है बी और सी। जब हम ये देखते हैं तो ये बी और सी जो कि जब डुप्लीकेशन होती है तो ये दोबारा बी और सी, एक दफ़ा बी सी फिर बी सी अटैच हुआ नज़र हुआ अटैच किया हुआ नज़र आ रहा है, तो ये है डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इसमें ऐसा होता है कि जो फ्रेगमेंट है क्रोमोसोम का वो पहले क्या होता है ब्रेक होता है, उसके बाद वो उसी क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, बट वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आके अटैच होता है, जो कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है इन्वर्जन। इसमें आप देख रहे हैं कि बी सी डी जो है वो हाईलाइट हुआ है। जब इस ये फ्रेगमेंट ब्रेक होता है तो उसके बाद जब इसकी इन्वर्जन होती है तो ये हमेशा आके उसके रिवर्स ऑर्डर में अटैच होता है। तो आपको नेक्स्ट जो है नज़र आ रहा है वो है ए डी सी बी ई, फिर सेंट्रोमियर, फिर एफ जी एच, यानी कि इन दिस केस फ्रेगमेंट री अटैच टू द ओरिजिनल क्रोमोसोम बट इन द रिवर्स ऑर्डर। नेक्स्ट एंड जो लास्ट टाइप है स्ट्रक्चरल एब्रेशन की वो है ट्रांसलोकेशन। ये आपको इसमें यहाँ इस पर नज़र आ रही है, ये हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान होती है। और आप ये और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में इनके पार्ट्स को एक्सचेंज किया जाता है। एक क्रोमोसोम के अंदर आपको नज़र आ रहा है ए और बी हाईलाइट हुआ हुआ है, जबकि दूसरे के अंदर एम एन और ओ हाईलाइट हुआ हुआ है। जो ए और बी है वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के पास आ गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पास आ गया है, और जो दूसरा एम एन है ओ है वो एक और क्रोमोसोम के पास चला गया है। तो यानी कि इंटरचेंज ऑफ पार्ट हो चुका है क्रोमोसोम का। द इंटरचेंज ऑफ पार्ट बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन की ऐसी टाइप जिसमें कोडिंग सीक्वेंस में के एक या फ्यू बेस पेयर में कोई चेंज आ जाए उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में एक बेस थायमिन जो होती है वो रिप्लेस कर जाती है विद एडेनिन। ये हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक पहले ही, तो उस जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड की पोजीशन जो है एक अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड विद विलाइन। किस पोजीशन पे? पोजीशन नंबर 6 पे, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के जो एंड टर्मिनल एंड पे ये चेन नज़र आता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर लॉस कर जाता है और उस प्रोटीन की जो एबिलिटी होती है टू कैरी ऑक्सीजन वो कम हो जाती है। एक और एग्जांपल डिस्कस की गई है पॉइंट म्यूटेशन की, वो है फिनाइल कीटोनेरिया। ये एक इनबॉर्न डिसऑर्डर है, ये एक एंजाइम की एब्सेंस की वजह से होती है, जो कि एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से है। इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से फिनाइल एलानिन जो कि एक अमीनो एसिड है ये पेशेंट्स के बॉडी फ्लूइड और सेल्स के अंदर एक्युमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम नज़र आते हैं मेंटल रिटार्डेशन और बाद केसेस में अर्ली डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो जाती है अगर इस डिज़ीज़ को हम अनट्रीट रखें। तो इस तरह हमने आज ये चैप्टर नंबर 20 फिनिश किया है।
हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। हमने इस चैप्टर में पहले देखा क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने डिस्कस किया क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, फिर हमने टाइप ऑफ क्रोमोसोम, फिर शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, और फिर हमने कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डीएनए एज अ हेरिटरी मटेरियल को डिस्कस किया। उसके बाद डीएनए की केमिकल नेचर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज जीन और फिर हाउ जीन इनकोड अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने फिर सेंट्रल डॉग्मा को डिस्कस किया कि सेंट्रल डॉग्मा के टू स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया फिर। और आज जो लास्ट इसके दो टॉपिक्स रह गए थे, जेनेटिक कोड और म्यूटेशन, उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। होप सो आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।